भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी उनकी उम्मीदवारी पर सवाल खड़े कर रही है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि वो कोर्ट में देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी होती है। खैर, जब से बांसुरी स्वराज का नाम सामने आया है उनकी चर्चा तेज हो गई है। उनके किस्से का भी जिक्र छिड़ गया है जब उन्होंने अपनी माँ का अधूरा वादा पूरा किया था। निधन से कुछ समय पहले ही सुषमा स्वराज ने वरिष्ठ वकील हरीश सालवे से एक वादा किया था। दुर्भाग्यवश वो वादा पूरा नहीं कर पाई और उनका देहांत हो गया। हालांकि बांसुरी स्वराज ने अपनी मां का वो वादा पूरा किया। ये पूरा मामला एक रुपए की फीस को लेकर था। दरअसल वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का केस लड़ने के लिए सिर्फ एक रुपए फीस लेने की बात कही थी। इसके बाद सुषमा स्वराज ने हरीश सालवे को फोन करके कहा था कि घर चले आना और अपनी एक रुपए की फीस ले जाना। कुछ दिन बाद ही सुषमा स्वराज का निधन हो गया। उस बीच हरीश सालवे उनसे मिलने भी नहीं पहुंच पाए। बाद में बांसुरी स्वराज हरीश सालवे से मिलने उनके आवास पर पहुंची और एक रुपए की फीस उन्हें अदा की। इस तरह उन्होंने मां का वादा निभाया था। कौशल स्वराज ने एक बार ट्वीट कर इसकी जानकारी खुद दी थी। उन्होंने लिखा था कि बांसुरी ने आज अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी कर दी है। बीजेपी ने बांसुरी को जिस सीट से उतारा है वो बेहद अहम मानी जाती है। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एलके आडवाणी भी चुनाव लड़ चुके हैं। वह पिछली बार इस सीट पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जीत दर्ज की थी। इस बार नई दिल्ली सीट पर उनका टिकट काट दिया गया है। दिल्ली में अब तक 5 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जिसमें से 4 पर चेहरे बदल दिए गए हैं। केवल मनोज तिवारी पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। बता दें कि बांसुरी स्वराज पेशे से वकील है। बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली जैसी सीट से टिकट देना बीजेपी की ओर से सुषमा स्वराज जैसी दिग्गज नेता को सम्मान दिए जाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। 6 अगस्त 2019 को दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।